साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसकी कट ऑफ को लेकर लगातार आप लोग परेशान हैं। ये कट ऑफ कितने पे जाएगी, मेरा आएगा कि नहीं आएगा। जिसका डाउन स्कोर है, देखिए उसकी तो बात छोड़िए, लेकिन जिसका मीडियम स्कोर है ना वो भी, और जिसका हायर स्कोर है वो भी, बस कन्फ्यूजन के दायरे में है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं, मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं, है ना। मैंने इस पर आप लोगों को लगभग 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बनाकर डाल दिए हैं, लेकिन फिर आप लोगों को बताने के लिए आया हूं आपके सामने, क्योंकि अभी तक मैंने भाई फेस आप लोगों को नहीं बताया कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्यों कर इतनी रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आंकड़ा आप लोगों को बताता हूं। 49,568 में आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी वो 185 पे गई थी। वहां एक सीट पर 38 बच्चा फाइट कर रहा था, ठीक ना। और आपकी जो जेल वार्डन की भर्ती थी, इसमें एक सीट पर 103 बच्चा था, 5805 पद थे, इसमें 6,00,000 बच्चों ने आवेदन किया था, एक सीट पर 103 बच्चा फाइट कर रहा था वहां पे। लेकिन वहां भी आपकी कट ऑफ 187 फिजिकल के लिए गई थी और 189 पे फाइनल हो गई थी। तो देखिए, यूपी का एक बड़ा फंडा यह है कि फिजिकल और फाइनल में ज्यादा फर्क नहीं रहता, यानी जिसने फिजिकल कर लिया उसका फाइनल में आने के चांस बढ़ जाते हैं, चाहे उसके 2 नंबर ऊपर ही क्यों ना हो। तो जब 185 और 189 तक, यहां तक मामला जो है जुड़ा हुआ है, और आपके अब की बार रॉ मार्क्स ही 190 के आसपास हमने मांगे हैं, लेकिन पिछली भर्तियों की जो कट ऑफ लगी है ना वो नॉर्मलाइजेशन के साथ लगी है दोस्त। उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स थे आपके, 185 पे कट ऑफ गई थी फिजिकल की विद नॉर्मलाइजेशन, और आपके पास अभी आपके मार्क्स बचे हुए हैं आपके माइंड में और आपके पास में, वो है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। दोनों में फर्क है, क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स में जब नॉर्मलाइजेशन जुड़ जाएगा तो ये 200 के पार चला जाएगा आंकड़ा, ठीक है ना, 200 के पार, और इतने पे आराम के साथ आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। तभी बोला है कि 95 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट, है ना, 92 ओबीसी एससीएस, मतलब सॉरी 92 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा डाउन, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहां आप लोगों की बात बन जाएगी। वहीं फीमेल के लिए बताया था आंकड़ा 85 क्वेश्चन यूआर, 82, है ना, 82 क्वेश्चन चाहिए, लगभग 185 के समथिंग में मार्क्स, है ना, और मतलब 85 क्वेश्चन के समथिंग में चाहिए, लगभग 165 के समथिंग में, और यू आर 85 क्वेश्चन मांगा था मैंने जर्नल का। और मैं इस वीडियो में अपने पीछे लगा दूंगा, जो आप लोग इस लिस्ट में आ रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी करना दोस्त, ज्यादा कट ऑफ इसकी जाएगी है नहीं, क्योंकि मैंने पिछला आंकड़ा बताया आप लोगों को, क्योंकि वो विद नॉर्मलाइजेशन था, आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर पिछली बार की तुलना में अब की बार ऊपर है। मान लीजिए कंपटीशन बढ़ गया होगा, बच्चा बढ़ गया होगा, हालांकि कंपटीशन कहीं नहीं बढ़ा, कंपटीशन पहले भी इतना था, कंपटीशन आज भी है, एक सीट पर तब भी इतना बच्चा फाइट कर रहा था, आज भी उतना ही बच्चा फाइट कर रहा है। हालांकि देखिए, आवेदन करने वालों की संख्या ज्यादा है तो पदों की संख्या भी ज्यादा है, ये भी है भाई। 60,244 भर्ती है और पहले 41,520 और 49,568 थी, तो अब अगर मैं 41,520 से गणना करूं तो लगभग 20,000 सीट फालतू है, और 49,568 से बात करूं तो उसमें 11,000 सीट फालतू है, तो उनसे सीट भी फालतू है अगर आवेदन करने वालों की संख्या फालतू है तो, ठीक है ना। कंपटीशन अभी भी पहले जितना ही है, बस पेपर का मोड पहले थोड़ा सा डाउन था, अब की बार थोड़ा सा अप है, ठीक है। तो पहले जो कट ऑफ आई है फिजिकल के लिए सभी भर्तियों की, वो विद नॉर्मलाइज स्कोर के साथ आई है, और आपके पास अभी आपका स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। आप लोग अपना मार्क्स नॉर्मलाइज होना हो जाने दो, आपका नंबर आ जाएगा फिजिकल के लिए, पक्का कॉल अप है, ठीक ना भैया। तो आप धैर्य धारण करके रहें, 190 वाला यूआर कैंडिडेट अपना दौड़ करता रहे, इसके बाद में आप एक एक दो दो क्वेश्चन गिरा लेना और इस टेबल से मिला लेना जो यहां मैंने आपके लिए टेबल सेट कर रखी है। इस टेबल में अगर आप आ रहे हैं, क्वेश्चनों की संख्या अलग दर्शाई है मैंने, मार्क्स की संख्या अलग दर्शाई है, इस टेबल पर अगर आप आए तो ये सोच लेना कि आपकी जो आपका जो नंबर है वो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है दोस्त। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास। मैं बस यही बताना था कि जो पिछली कट ऑफ लगी है वो विद नॉर्मलाइज हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन के भी 20-20 अंक जुड़े हुए हैं, तब 185-189 पे लगी है वो, और आपके अभी विदाउट नॉर्मलाइजेशन ही उनसे अप है मार्क्स, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ओवर मांगा है, लेकिन पेपर पिछली बार की तुलना में अब की बार हार्ड लेवल है थोड़ा, ये भी मतलब चीज फैक्टर करेगी इस पे। एक बच्चा नहीं चाहिए इनको फिजिकल के लिए, 1,80,732 कैंडिडेट चाहिए, कभी एक बच्चे से ही घटना इनकी कर रहे हो, एक बच्चे से भर्ती नहीं हो जाएगी, 10-20-50-40-100 से नहीं हो जाएगी, लाख चाहिए, 1,80,732, ठीक है दोस्त, यानी मेरिट को 200 से नीचे गिरना ही पड़ेगा, ये पक्का है,
ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।